हाय फ्रेंड्स, हिंदी टू कनाडा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके हम कन्नड़ा के कुछ सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। इसको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? तो पहले तुम्हारा को हम कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? तुम्हारा को हम कन्नड़ में बोलते हैं निन्ना। तुम्हारा को निन्ना, निन्ना। और पास, पास को हत्तीरा, पास को हत्तीरा। कितना, कितना, इसका मतलब होता है यस टू। कितना का मतलब होता है यस टू। पैसा है, पैसा है। हणा विदे, पैसा को हणा कहते हैं हम कन्नड़ा में, पैसा को हणा। तो पैसा हणा इदे, अतो नहीं तो विदे है को मिला लेंगे तो निन्ना हत्तीरा एष्टु हणा विदे। हणा विदे, तो पहला क्या है? तुम्हारा, तुम्हारा को हम क्या बोलते हैं? निन्ना। और पास, पास को हत्तीरा। कितना, कितना को हम यस्टू कहते हैं कन्नड़ा में, कितना को यस्टू कहते हैं। और पैसा, पैसा को हणा कहते हैं। तो पैसा है, पैसा है को मिला के हणा विदे, हणा विदे। तो कन्नड़ा में हम बोलेंगे निन्ना हत्तीरा यस्टू हणा विदे। हिंदी में हम बोलेंगे तुम्हारे पास कितना पैसा है कन्नड़ा में निन्ना हत्तीरा एष्टु हणविदे। अभी मैं जो मैं हिंदी में लिखी हूँ उसी को मैं कन्नड़ा में भी लिखूंगी, ताकि जो कन्नड़ा पढ़ने और लिखने के लिए जो सीख रहे हों उनको मैं जो लिखूंगी वो पढ़ने में मदद मिले। या तो तुम्हारे पास कितना पैसा है कन्नड़ा में, तुम्हारे पास कितना पैसा है कन्नड़ा में। अब निन्ना हत्तीरा एष्टु हणविदे। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है कन्नड़ा में निन्ना हत्तीरा एष्टु हणविदे। तुम्हारे पास कितना पैसा है निन्ना हत्तीरा एष्टु हणविदे। तो नेक्स्ट है, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता था। इसको हम कन्नड़ा में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैं को हम कन्नड़ा में क्या कहते हैं? नानू। मैं को हम नानू कहते हैं, नानू। हर पल, हर पल को हम कन्नड़ा में प्रतीक्षण कहते हैं। हर पल प्रतीक्षण, वो हर पल प्रति क्षण, वो मैं हर पल, नानू प्रतीक्षण, वो हमारे मतलब होता है निम्मा या फिर निन्ना। तो तुम्हारे साथ, इसको हम मिला के हम बोलेंगे निन्नोंदिगे, तुम्हारे साथ निन्नोंदिगे। तुम्हारे साथ निन्नोंदिगे रहता था, रहता था को हम कन्नड़ में बोलेंगे इरुत्तिद्दे, इरुत्तिद्दे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता था, नानु प्रतीक्षणवु निन्ना निन्नोंदिगे इरुत्तिद्दे, निन्नोंदिगे इरुत्तिद्दे। अब मैं कन्नड़ में लिखूंगी, तो मैं हर पल,
मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता था। नानू प्रतीक्षणवु निन्नोंदिगे इरुत्तिदे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता था। कन्नड में नानु प्रतीक्षणवु निन्नोंदिगे इरुत्तिदे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता था। नानु प्रतीक्षणवु निन्नोंदिगे इरुत्तिदे। तो नेक्स्ट है, हम फिर कब मिलेंगे। इसको हम कन्नड में बोलेंगे हम, नावु, हम नावु। फिर को हम कन्नड में बोलते हैं मत्ते, फिर को मत्ते कहते हैं। और कब को यावागा। तो यहाँ पे फिर कब, इन दोनों को हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे फिर कब। तो हम पहले कब लिखेंगे, यावागा, कब को ट्रांसलेशन करेंगे पहले, नावु यावागा। अब हम फिर को लिखेंगे। फिर को हम क्या कहते हैं, मत्ते। फिर को मत्ते। मिलोगे भेटी आगुते वे, मिलोगे का होता है भेटी आगुते वे। भेटी यागुर तेवे। यहाँ पे हम फिर कब मिलेंगे, तो इसका क्या हुआ, नावु यावाग मत्ते भेटियागुतेवे। भेटियागुतेवे, नावु यावाग मत्ते भेटियागुतेवे। यहाँ पे फिर का मतलब होता है मत्ते। फिर को हम मत्ते कहते हैं कन्नड़ में, और कब को यावागा। लेकिन हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हम थोड़ा चेंजेस करके लिख रहे हैं। पहले कब को लिख रहे हैं, बाद में फिर को लिख रहे हैं। तो इसका क्या होगा, हम फिर कब मिलेंगे। इसको हम कन्नड में बोलेंगे नावु यावागा मत्ते भेटियागुतेवे। तो अभी मैं कन्नड में लिखूंगी, हम फिर कब, फिर कब मिलेंगे, नावु यावागा मत्ते भेटी यागुतेवे। हम फिर कब मिलेंगे, ಕನ್ನಡ ಮೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹಮ್ ಫಿರ್ ಕಬ್ ಮಿಲೆಂಗೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇ, ಆಪ್ ಲಂಬೆ ಸಮಯಸೆ ನಹಿ ದಿಖ್ ರಹೆ ಥೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೇ ನೀವು, ಆಪ್ಕೋ ನೀವು. ಲಂಬೆ ಸಮಯಸೆ, लंबे समय से, तो इसको हम बोलेंगे बहड़ा समय दिंदा। लंबे समय से, बहड़ा समय दिंदा, बहड़ा समय दिंदा नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे। तो इन सबको हम नहीं दिख रहे थे, इन सबको हम मिला के बोलेंगे काणिसलिल्ला, काणिसलिल्ला।
लंबे समय से नहीं दिख रहे थे। नीवु बहुत समय दिंदा कानिसलिल्ला। इसको हम कन्नड़ में ऐसे बोलेंगे। तो अब कन्नड़ में मैं स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि मैं कन्नड़ में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो कन्नड़ पढ़ने और लिखने के लिए सीख रहे हैं उनको मैं जो लिख रही हूँ उनको पढ़ने में थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मदद मिले। इधर हिंदी में पढ़ के फिर कन्नड़ में आप जब पढ़िएगा तो अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है कन्नड़ पढ़ने के लिए तो आप जब पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको जो है धीरे धीरे करके आप कन्नड़ पढ़ना सीख जाएंगे और देख देख के लिखना भी सीख जाएंगे। तो कन्नड़ में आप लंबे समय से नहीं दिख रहे थे। अब कन्नड़ में नीवु बहुत समय दिंद कानिसलिल्ल। आप लंबे समय से नहीं दिख रहे थे। नीवु बहुत समय दिंद कानिसलिल्ल। आप लंबे समय से नहीं दिख रहे थे। नीवु बहुत समय दिंद कानिसलिल्ल। यह नामुमकिन है। इसको हम कन्नड़ में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे आइए देखते हैं। तो यह को हम कन्नड़ में इदु कहते हैं। यह को इदु इदु। नामुमकिन नामुमकिन को कन्नड़ में असाध्य कहते हैं। नामुमकिन को कन्नड़ में असाध्य। असाध्य यह नामुमकिन है। कन्नड़ में हम बोलेंगे इदु असाध्य। कन्नड़ में इदु असाध्य। अब कन्नड़ हैंडराइटिंग में तो यह नामुम यह नामुम किन है। यह नामुमकिन है। इदु असाध्य। यह नामुमकिन है। कन्नड़ में इदु असाध्य। यह नामुमकिन है। इदु असाध्य। तो नेक्स्ट है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे मैं को नानू। मैं को नानू। कुछ नहीं कुछ नहीं ये नन्नू। कुछ नहीं ये नन्नू। चाहता हूँ मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नानु ये नन्नु बयसुत्तिल्ला। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नानु ये नन्नु बायसु तिल्ला। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नानु ये नन्नु बायसु तिल्ला। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नानु ये नन्नु बायसु तिल्ला। नेक्स्ट है कितना सुंदर है। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे कितना को एष्टु। कितना को एष्टु। सुंदर है सुंदरविदे। सुंदर को सुंदरा कहते हैं कन्नड़ में।
तो सुंदर है, सुंदर अविदे। कितना सुंदर है कन्नड़ में, एष्टु सुंदरविदे। अब कन्नड़ में कितना सुंदर है, एष्टु सुंदरविदे। कितना सुंदर है कन्नड़ में, एष्टु सुंदरविदे। हिंदी में कितना सुंदर है कन्नड़ में, एष्टु सुंदरविदे। तो नेक्स्ट है, यह तुम्हारा नहीं है, इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे यह को इदु, यह को इदु। तुम्हारा नहीं है, इसको हम ये तीनों को मिला के बोलेंगे निम्मदल्ला। यह तुम्हारा नहीं है, तो यह को इदु और तुम्हारा नहीं है, इनको मिला के निम्मदल्ला। निम्मदल्ला, यह तुम्हारा नहीं है, इदु निम्मदल्ला। अब कन्नड़ फॉर्म में यह तुम्हारा नहीं है, इदु निम्मदल्ला। हिंदी में यह तुम्हारा नहीं है, कन्नड़ में इदु निम्मदल्ला। हिंदी में यह तुम्हारा नहीं है और कन्नड़ में इदु निम्मदल्ला। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।